पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर बॉन्ड्स की। जब दो सिमिलर एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और बॉन्ड को शेयर करते हैं, यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और दोनों की जो अट्रैक्शन होती है वो इक्वल होती है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इक्वल होती है, उसे नॉन पोलर बॉन्ड्स कहते हैं। यानी कि जो दो एटम्स आपस में कंबाइन होंगे वो सिमिलर होने चाहिए। मीन्स टू से एग्जांपल लेते हैं हम H2Cl2, यानी कि H2 दो हाइड्रोजन एटम, Cl2 टू क्लोरीन एटम्स। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं H2 का। जब दो हाइड्रोजन एटम, जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोजन जिसकी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अपने ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए अपनी आउटर मोस्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, और इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देता है या फिर शेयर कर लेता है, और अगर ये वाला हाइड्रोजन इस अपने इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन से शेयर करने के लिए रेडी हो जाता है, तो क्या होगा? दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में अगर ये दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं तो इस हाइड्रोजन के पास भी टू इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे क्योंकि इसने शेयर कर लिया, और इसके पास भी टू इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे क्योंकि इसने भी शेयर कर लिया। इसलिए दोनों की ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाती है और इनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने की वजह से ये बॉन्ड बना लेते हैं। ये दो सिमिलर एटम्स हैं जब कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे ही नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि ये है एक हाइड्रोजन एटम और ये है दूसरा हाइड्रोजन एटम। जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपनी आउटर मोस्ट शेल ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस तरह से इनमें एक बॉन्ड बन जाता है। ये सिंगल बॉन्ड शो करता है टू इलेक्ट्रॉन्स को, एक बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है, यानी कि टू इलेक्ट्रॉन्स, और ये है उनका बॉन्ड H बॉन्ड H, ये एक H2 का एग्जांपल है। इसकी अनदर एग्जांपल है Cl2 O2 N2। कंडीशन ये है कि जो एटम आपस में कंबाइन होंगे वो सिमिलर होने चाहिए, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, दो ऑक्सीजन या दो नाइट्रोजन, वो सिमिलर होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोलर बॉन्ड्स की। जब दो डिफरेंट एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट है, दोनों की एनर्जी डिफरेंट है और उनकी अट्रैक्शन पावर भी डिफरेंट है, और वो अपने बॉन्ड्स को फॉर्म करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, उसे कहते हैं पोलर बॉन्ड्स। जैसे कि HCl, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन, क्लोरीन जो कि जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन को अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि क्लोरीन उसे दे सकता है, और क्लोरीन को अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि उसे हाइड्रोजन दे सकता है। तो ये दोनों जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की अलग अलग है, और इनकी शेयरिंग पावर कैपेसिटी दोनों अलग हैं, और डिफरेंट पावर से ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होगी। तो हाइड्रोजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाती है और क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं HCl का। हाइड्रोजन जो कि हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और क्लोरीन जो कि हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। एक माइंड हमेशा ध्यान में रखना कि जो हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उसकी जो ऑर्बिटल है वो स्मॉल होगी, और जो हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा उसकी ऑर्बिटल लार्ज होगी। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल लाइफ का,
अगर आप किसी को कुछ पैसे उधार देते हैं तो वो पैसे हम तो नहीं खर्च करेंगे, कोई दूसरा ही खर्च करेगा, लेकिन वो पैसे हमारे तरफ से तो सेफ हो गए क्योंकि वो कभी ना कभी तो हमें रिटर्न करेगा। इसी तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और क्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, और जो इलेक्ट्रो नेगेटिव यानी जिसने उधार लिया है उसको तो देना पड़ेगा, इसलिए वो इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाता है। और क्या नाम है, इसीलिए ये नेगेटिव अनुवेश की आउटर मोशन क्या होती है, ज्यादा है क्लोरीन की और हाइड्रोजन की छोटी होगी, और इसकी जो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी वो कुछ इस तरह से होगी जो इसकी आउटर शेल शो कर रही है। HCl अपना फिर एक बॉन्ड बना लेंगे, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया यानी दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक बॉन्ड फॉर्म होता है, एक बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है, तो HCl आपस में कंबाइन होके जो बॉन्ड बना रहे हैं ये है हमारा पोलर बॉन्ड। इसके अनदर एग्जांपल्स हैं, कोई भी हम डिसिमिलर यानी कि जो सिमिलर नहीं है वो एटम्स, CO2, Cl2, H2 या कोई भी ऐसे एटम्स जो कंबाइन कर रहे हैं जो सिमिलर नहीं है वो पोलर बॉन्ड्स में आते हैं। ये है हमारा पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स।